नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। शिरवंशी धननगर, बाबूलाल मरांडी का 65वां जन्मदिन मनाया गया। बाबूलाल मरांडी झारखंड के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामचंद्र केसरी के चचरिया स्थित आवासीय कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 65वां जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। जन्मदिन समारोह का शुभारंभ केक काट कर किया गया। जन्मदिन समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे प्राथमिक शिक्षक के रूप में भी काम किए। इसी क्रम में इनका लगाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और वहीं से वे राजनीति से जुड़े। सर्वप्रथम 1998 में ये लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन व पर्यावरण मंत्री के रूप में शपथ लिए। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड प्रदेश का गठन हुआ तो झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड के विकास के लिए इन्होंने भागीरथ प्रयास किया। इन्होंने रांची को ग्रेटर रांची बनाने, सर्वशिक्षा अभियान के तहत झारखंड के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति का गठन कराने, जन कल्याण विभाग से गरीबों के लिए बस योजना, प्राकृतिक संपदा बालू को समस्त झारखंडियों के लिए मुफ्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 2020 में झारखंड भाजपा विरोधी दल के नेता चुने गए। सभी वक्ताओं ने उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। जन्मदिन समारोह को भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शारदा महेश प्रताप देव, विजय कुमार केसरी, सूरज गुप्ता, रघुराज पांडे, शिवधारी राम, ओम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र कुमार पासवान, आनंद कमलापुरी, कुमार कनिष्क सहित अन्यों ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में गरीब असहाय निशक्तों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, मथुरा पासवान, सीताराम जायसवाल, नंदकिशोर यादव, रामेश्वर राम, सुब्राती खान, सेवानिवृत्त शिक्षक शिव शंकर प्रसाद, संतोष चंद्रवंशी, रामेश्वर राम, धीरज जायसवाल, सलीम अंसारी, अरुण कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, रमेश प्रसाद, सोब्रन चंद्रवंशी, उमा शंकर प्रसाद, कमला सिंह, इस्माइल अंसारी, सुजीत लाल अग्रवाल, सरोज सेठ, इंद्रजीत कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क व संचालन मोहम्मद नईम खलीफा ने की। कुछ बात बोले तो सूर्य भगवान के सामने दिया दिखाने के समान मुझे लगता है, परंतु चंद बातों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करूंगा, क्योंकि कुछ वर्षों तक मुझे भी आदरणीय बाबूलाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। जितने इच्छा शक्ति के मजबूत नेता बाबूलाल मरांडी आज के तिथि में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, मुझे लगता है कि इतने मजबूत इच्छा शक्ति का नेता इस राज्य के अंदर किसी दल, किसी पार्टी और किसी जिले के अंदर में नहीं है जितना बाबूलाल मरांडी है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जिस काम को सोचते हैं, जिस काम को प्रारंभ करते हैं, उस काम को अंजाम तक ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। इस राज्य के अंदर में प्रथम मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो सबसे पहला अगर कोई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी लिए थे। और जिस हिसाब से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य की सेवा विकास के माध्यम से कर रहे थे, अगर यहाँ के शरारती नेता, यहाँ के कुड़फाती नेता अगर उनके पीछे नहीं लगे होते, उनके साथ साजिश नहीं किए होते, तो अगर 5 साल का कार्यकाल अगर उस समय पूरा कर देते अगर बाबूलाल मरांडी, इस झारखंड की तस्वीर और तकदीर कुछ अलग होती। प्रभुत्व श्री बाबूलाल मरांडी जी छोटे से गांव से निकल के झारखंड ही नहीं राष्ट्र के स्तर पर झारखंड का और अपना नाम अंग्रेजों ने पश्चिम लहराया है। वो आप सबों के स्नेह और आप सबों के प्यार के बदौलत ही संभव हो पाया है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव भी है, कार्यक्रम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मैं बाबा बंसीधर से और आप सभी की ओर से उनके जन्म दीर्घायु जन्म और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।
माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर लेडीज ड्रेस किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।